नहीं रहे पलामू के आखिरी स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ सहाय। उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक पहुंचे, उनकी आवाज दी श्रद्धांजलि। 99 वर्ष की उम्र में हुआ देहांत, पिछले एक सप्ताह से थे बीमार। 20 साल की उम्र में सन 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में पहली बार गए थे जेल। पलामू के आखिरी स्वतंत्रता सेनानी श्री नीलकंठ सहाय जी का छौमुहान के पास स्थित उनके आवास में देहांत हो गया है। वे 99 वर्ष के थे। उपायुक्त शशि रंजन तथा पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने नीलकंठ सहाय के आवास में अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपयुक्त मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अजय सिंह बड़काई भी मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि नीलकंठ सहाय ख्याति प्राप्त तथा बहुत ही सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके निधन से पूरा पलामू मर्माहत है। इस दुख की घड़ी में जिला प्रशासन परिवार के साथ है। बताते चले कि सहाय का जन्म 22 दिसंबर 1922 को डाल्टनगंज के अमला टोली में हुआ था। उनके पुत्र अमित सहाय ने बताया कि पिताजी की तबीयत पिछले एक सप्ताह से खराब थी। उन्होंने आज दिनांक 11 मार्च 2021 को दिन के करीब 1 बजे आखिरी सांस ली। नीलकंठ सहाय जी स्वतंत्रता सेनानी में काफ़ी सक्रिय थे। 20 साल की उम्र में सन 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के वक्त रांची में गिरफ्तार हुए थे। सन 2012 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा उन्हें 90 साल की उम्र में सम्मानित किया गया था। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना।